हाय हेलो नमस्ते जोहार एवरीवन, आज मैं कहीं आया हुआ हूँ वो है बरसों पानी। बोले ऑफ रोड का तो मज़ा तो है लेकिन टायर के लिए नुकसान है बहुत ज़्यादा, खतरनाक है यार रोड एकदम। इसका पंचर किट भी मैंने मंगवा लिया है। हैदराबाद जी से यहाँ 15 मिनट, ये वो नदी जो डिवाइड करता है रांची रामगढ़ को, पालू और बिंजा का, ये नदी के इस पार रांची जिला, नदी के उस पार रामगढ़ जिला। साल तो हो गए होंगे मेरे को लग रहा है यहाँ से इधर, मतलब बहुत दिन गया नहीं हूँ मैं, पहली बार तेरे को दिखाता हूँ तेरे को। ऑफ रोड है थोड़ा, पुल बनने का तैयार है ये, जो मेरे घर के पीछे में वो गिट्टी सब नहीं किया है वो इसी रोड पे खपत होगा। लेकिन विनीता का घर इधर ही है भाई छापर में एक मेरा फ्रेंड है, ये छापरे तरफ से निकलेंगे हम लोग, ये बन के रेडी हो गया तो बस परसों पानी भी फेमस हो जाएगा। क्यों वो पता नहीं है, शॉर्टकट रास्ता मान जी द्वार के सीधे निकल जाना है बीजा छापर की तरफ, तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। वो फुटबॉल खेलने आते थे हम लोग इधर। मांडर रांची राय खलारी, मतलब खलारी और राय और खलारी के लिए इधर, और बुड़मू मांडर रांची के लिए ये वाला रोड सीधे निकल गया। सही है, कैसे तालाब में बतख। ओ इधर एक बड़ा घर भी है ओ ये यार कद्दू लगा रखे यार, बहुत कद्दू कोहड़ा। भाई साहब गजब है यार, धूल खतरनाक है यहाँ पे, और मुझे आराम से चलना पड़ेगा। ओ भाई आज तो जूता का नाका नाका माका हो गया। चलो यार दिन में थोड़ा एडवेंचर तो होना चाहिए, घर में ऐसे बैठे बैठे बिल्कुल यही रहता है। अब मेरे को याद आया वो वंडरलेस अनुज का देखा था ना, तो यही गुफा दे। अबे पहुँच ही गए यार, इधर से निकाल आराम से, आना आना आना। वो कहाँ कहाँ से आए यार, सही रास्ते पे पहुंच ही गए, यहाँ से कुछ ही दूर है। बरसों पानी जाने के लिए ये रास्ता है, एक्चुअली हम कहीं और जा रहे थे दूर, लेकिन हम करेक्ट जगह पे आए थे कि वंडरलेस अनुज का देखे थे ना, तो यही डोर रास्ता दिखाया था, मतलब जंगल तरफ ये वाला आएगा आगे से, आगे से ये भी आएगा। कभी आओ हमारे हवेली पे। आ रहा फोटो, लाइट आ रहा है? हाँ आ रहा है लाइट। तो
कैसे किया जाए भाई। ओह चल रहा है, कैमरा भी चल रहा है यार। सही रास्ता पे आए भाई। बहुत ही मुश्किलों के बाद पहुंचे, बहुत ही मशक्कत करना पड़ा। भूत बंगला देख भाई, सही रास्ते पे गए। लड़के को देखा ना अभी, देखो 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 गधा भी, एक लड़के को बाइक से क्रॉस करते, अरे मेरा हेलमेट लगेगा भाई। चल 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 सही है, दिख रहा है रास्ता। लाइट तो चला, और लाइट जला हुआ यार, फोकस। आज का दिन एडवेंचर आवाज। ये पूरा गुफा है, इसी के ऊपर से रेल की पटरी गई है, वो रहा शायद। मेरे को लगता है यहाँ पानी आने जाने के लिए बनाया हुआ है ना, पानी के लिए। ये दादा बरसों पानी यही रुक जाता है, किधर जाता है? इधर जाता है। हम लोग सही आ रहे थे यार। और एक लोचा हो गया भाई लोग। जाना तो जापान, पहुंच गए चीन। एक्चुअली हम सही रास्ते पे, उसी रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन क्या है ना अब हम उल्टा हो गए। आगे आगे देखो राज। ओ भाई साहब अंधेरा दिख रहे, कुछ नहीं रहा यार। सही जा रहे, सही जा रहे, सही जा रहे। आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा। वंडरलेस अनुज को तो बोलना पड़ेगा भाई, थैंक यू। इधर जाना पड़ेगा, ये हेंदेगिरी स्टेशन है। यहाँ से सीधे निकल के, रेलवे का तो नहीं लग रहा है, किसी अंग्रेज जमाने का लग रहा है बॉस ये। उन रहते ये रहा यार, वो बहुत देर के बाद दामोदर नदी मिला यार। तो ये है दामोदर नदी, काफ़ी साफ सुथरा बह रहा है पानी भी। कुछ लड़के वहाँ मछली पकड़ रहे हैं, देख पिकनिक बनाने के लिए सॉलिड स्पॉट है भाई। अपन पास ड्रोन कैमरा तो है नहीं। झारखंड का सबसे बड़ा नदी यही है, दामोदर वैली। दामोदर नदी इधरी से ले लेते हैं, हजारीबाग लग रहा है घुस चुके हैं। बोल रहा हूँ ऐसे ही छोटे छोटे रोड होने चाहिए और चारों तरफ से, लेकिन ये रात के लिए तो है नहीं बॉस। ओके बाएं साइड में जो दिखाई दे रहा है, इसी साइड में हो सकता है बरसों पानी। यार क्या गजब है। छोटे मतलब चारों तरफ हरा भरा रहता है, इस तरह तो अपना गर्लफ्रेंड के साथ आओ मज़ा आ जाएगा बाइक राइड पे। बरसों पानी एक्चुअली हजारीबाग में स्थित है, लेकिन जो मेरे घर तरफ से शायद से थोड़ा नज़दीक है, तो हमने देखा नहीं रास्ता, इसलिए थोड़ा अननोन रास्ता है, इसलिए हमें थोड़ा क्या क्या है, क्या चीज है? खुंडार, अरे सियार था। अरे सियार बोलते हैं उसको, सियार मतलब लोमड़ी, लोग देसी भाषा में हुनार बोलते हैं। देखते हैं, लोग बोलते हैं कि ताली मारने से पानी बरसता है, लेट्स सी। देखते हैं कहाँ तक अस्पताल है। ये ना बरसों पानी के ना जाने का रास्ता है। रास्ता तो बना रखा है, वेल एंड गुड, बट रास्ता इज नॉट गुड, वेरी ऑफ रोड। ओ भाई साहब खतरनाक वाला रोड है यार। आई थिंक जो मेरे को लग रहा है ना, इस
बस पानी के लिए रोड साइड बना दिया है। वेरी गुड वेरी गुड, झारखंड सरकार वेरी कीप इट अप। सो यही पहाड़ है, इसी के अंदर में अली बाबा का खजाना रखा हुआ है। होंडा एक्टिवा 125, इसका तो भाई साहब सही टेस्ट ड्राइव हो रहा है। छोटे मोटे ऑफ रोड में ये वेल एंड गुड चल रहा है, तो दूर ड्राइव के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्षा पानी कितना है? यही रोड जाएगा ना सर? ठीक है, आने का ना खैरा मांझी द्वार साइड से, मतलब रास्ता मैंने आपको पूरा देख, कभी इस तरह का रास्ता मतलब दिखाया नहीं था, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने पूरा ये रांची जो से जो भी आ रहे हैं ना उनके लिए खैरा मांझी द्वार से लेफ्ट लेके आ जाओ। खैरा मांझी द्वार से सीधे बिंगा छापर होते हुए, हंदेगिर होते हुए, डैम देख रहे हो रास्ता बॉस इधर भी। अरे माता का भी स्थान है, जो भी माता को मौत करते हैं वो जूते चप्पल खोल कर ही प्रवेश करें। बनाने शायद आए हैं यहाँ पे, और मंदिर जो बोल रहे थे शायद यही है। और बरसों पानी वो रहा शायद, वो रास्ता है शायद। मंदिर निर्माण में व्यक्ति सहयोग इस गांव की सिर्फ राजू मुंडा का है, बाकी अन्य सबों का सहयोग सराहनीय है। अतः मंदिर पूर्ण करने में उचित सहयोग करें, स्वच्छता का पालन करें। वेरी गुड, आई थिंक माता का मंदिर यही है शायद। वो जो सामने में देख रहे हो वही है शायद चट्टान, वहीं से तो शायद पानी बरसता है। क्या लॉजिक है क्या नहीं, लेट्स सी, देखते हैं। तो वहाँ पे जूता चप्पल खोल के आना चाहिए, तो हम इधर ही खोल दे रहे हैं। मैंने वहाँ खोला, राज यहाँ खोल दे रहा है। तो माता का शायद निवास यहीं पर है, वो रहा सामने में, तो हम नहीं चाहते कि जूता पहन के जाएं। ऊपर जा सकते हैं क्या? ऊपर जा सकते हैं, जाने का रास्ता है ऊपर। हाँ जा सकते हैं, आवाज़ तो आ रही है ऊपर से। पहले चलते हैं जहाँ पे पहले ये वाला पॉइंट बताते हैं कि ताली मारने से वर्षा होती है। आप सभी को एक छोटा सा भी मिल चुका होगा, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, ताली बजाने से पानी गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं। तो फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट पहुंच गए हैं उस चट्टान के नीचे में, जो यही ये पॉइंट है जो बताते हैं कि ताली मारने से बारिश होती है। फिलहाल ये देख सकते हो हल्का हल्का बूंद गिर रहा है। एक लॉजिक ये भी हो सकता है क्योंकि ये चट्टान है और पीछे में बारिश धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। तो एक और एक बताते हैं यहाँ पर ताली मारने से बारिश ज़्यादा होती है, तो देखते हैं। अब थोड़ा मैं गहरा जगह पे आ गया हूँ, थोड़ा अंदर साइड में, अब देखते हैं ज़्यादा बारिश होती है या नहीं। शायद कंपन से होता होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ मतलब बारिश तब 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 गिर रही है बूंदे उस अंदर के पॉइंट पे। अब इसके ऊपर में भी चलते हैं, देखते हैं क्या है इसके ऊपर में, फिर पता चलेगा लॉजिक क्या है क्या नहीं है। कैसे किया जाता है, ठीक है? तो पहले यहाँ पैर एक रखो, एक यहाँ पे ऐसा जगह ग्रिप रखो जहाँ पे हाथ बिल्कुल पकड़ में आ जाए, ठीक है? पकड़ के हल्का से ऐसे चटन रखा, दूसरा रखा यहाँ पे चढ़ा और ऊपर आ गए। कुछ ज्यादा ही डेयरिंग हो गया यार, रास्ता जला इधर है देखो। उस चट्टान का ऊपर हिस्सा ये रहा, रहता हुआ आता है वो जो डाउन, हाँ, और वो पानी डाउन में गिर रहा है।
तो पानी कहीं कहीं स्टोरेज हो जा रहा है, कहीं रुक जाता है, फिर धीरे धीरे बहता है, उसके अनुसार पानी धीरे धीरे फिर गिरता रहता है। जो आप देख सकते हो यहाँ पे आराम से देख रहे हो, ये देख रहे हो, ओके यही है। इसके नीचे में वो खाई जैसा है और ये ऊपर में है, यही पानी नीचे गिर रहा है। लेकिन कहते हैं, कहते हैं हाथ तालिबान से चट्टान से पानी गिरता है, ये तो साइड से पानी गिर रहा है, ये तो अलग, ये अलग लॉजिक है, ये अलग बात है। साइड से जो स्टोरेज पानी वो बाकी सारा नीचे गिर रहा है, लेकिन सब कहते हैं कि चट्टान से पानी गिरता है, उस वो पानी गिरता कहाँ से वो पता नहीं चल रहा है। एक रास्ता ये भी है, आप ये भी रास्ता यूज़ कर सकते हो, ये रास्ता शायद सीधे मंदिर जो आपको दिखाया था ना वो जगह ले जाएगी ये रास्ता। तो ऊपर से लोकेशन कुछ ऐसा है, नहर जैसा इसके नीचे जाता है, इसी के नीचे चट्टान है, बरसों पानी जो हाथ जाते ताली बस पानी गिरता। और ये ऊपर की तरफ जो नाला गया है, ऊपर की तरफ ऊपर से जो पानी जो गिरता है, मतलब क्या कहते हैं, जो बारिश का पानी जो चट्टान से चकरा के नीचे आता है, ये वही सब रास्ता है। और थोड़ा ऊपर ऊपर की ओर जाके देखते क्या है क्या नहीं, ऊपर की तरफ देखते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ देखते हैं क्या है। ऐसे जंगल है, कुछ नहीं, दारू की बोतल है सिर्फ। ये चीज खराब करते हैं यार, दारू के बोतलें जो इधर उधर फेंक देते हैं ना, देखो यार बर्थडे मना के दारू की बोतल सब, या ये तो हर जगह है, कहीं भी चले जाओ, पिकनिक स्पॉट जगह, टूरिस्ट प्लेस जगह, सबका ये ड्रामा है बॉस, खा पी के सब वहीं पे फेंक देते हैं। पूनम लव यू लव अर्जुन, ओके। ऊपर ऊपर जाते जाते हमें एक और एक पॉइंट मिला है, वो है लोअर पॉइंट, यहाँ कुछ देख लो भाई, ये लोअर पॉइंट है। क्या लिखा है? देसी लौंडा, देसी लौंडा VKLKK VKLKK भाई, ऊपर बैठने का ही जगह है, आराम भी। एक बार आके मिल लो भाई यहाँ पे लवर लिखे कवर। आगे पूछ रहे हो साइड, ये साइड उधर से चलते, ये रास्ता सही है। अभी हम वहाँ पे अंदर में थोड़ा फोटो शूट कर रहे थे, फोटो शूट के बाद अब नीचे जा रहे हैं, सेम रास्ता नहीं राज, इधर इधर है रास्ता, अच्छा ये रास्ता। तो इंस्टाग्राम में फोटो सारे डालेंगे मैं और अपना, राज का भी कुछ देख लेना, अच्छा लगा तो कमेंट लाइक करना। मेरे व्यूवर्स व्हाट्सएप वाले ज़्यादा हैं भाई, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तकड़ा वाला सब्सक्राइब जरूर करना। ओ मागो तुरुला फोटो अच्छा है, सेम रास्ता वो उधर रास्ता है और ये अब हम इस रास्ते से जाएंगे। देखो जाने का रास्ता ना बहुत है, ये इधर से जाओ, इधर से आराम से ये रास्ता आप, ठीक है, सिंपल रास्ता है, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत करेगा, और उधर से जाओगे तो थोड़ा सा डेयरिंग दिखाना पड़ेगा हम लोग की तरह। और सबसे हाँ, एक मंदिर तरफ से भी उधर से रास्ता है जो कि ऊपर आप जा सकते हो, ठीक है। जूता हमने पहले खोल के रखा था, अब देखते हैं है या नहीं है, जूता है बॉस, मैं थोड़ा आगे रखा हूँ। हाँ बॉस, काफ़ी खतरनाक हाली मारने से कंपन होके बारिश होने लगती होगी साथ। सो फ्रेंड यहीं पे ख़त्म करते हैं, आशा करता हूँ आप लोग अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगले और इससे तिरुफॉल में, तिरुफॉल जाएंगे वो, आज वो, नहीं कल वो परसों, वो आप लोग के लिए सीक्रेट रहेगा कहाँ जाना कहाँ नहीं, लेकिन बता दिया मैंने वो। सो फ्रेंड यहाँ पे हम वापस जा रहे हैं, रोड मतलब
पूरा बाइक ला सकते हो बिल्कुल यहाँ तक, फोर व्हीलर तक आता है, फोर व्हीलर तक भी आ जाएगा आराम से। छः सात महीना के बाद तो पक्का ये रोड बन जाएगा ना बिल्कुल, तो गाड़ी तो एकदम सामने में ही जाएगा, परसों पानी के सामने में ही। ये फिलहाल देख लो ऐसा रोड है, जो लोग अभी आना चाह रहे तो आ सकते हैं। हाँ, मस्ट भी हेलमेट ज़रूर पहनना भाई लोग, टायर बिल्कुल स्लिप कर रहा है, स्कूटी का तो बहुत कर रहा है। तो एक दो रास्ता आ गया है, एक हजारीबाग तरफ से इधर से आना पड़ता है और इधर से मेरे घर तरफ रास्ता है। ये जो रास्ता है मेरे घर तरफ रास्ता है, इधर से ही नज़दीक पड़ता है। रांची वालों के लिए सबसे नज़दीक रास्ता यही है। खेरा मांझी निकल के तीन चार छापर हाथ हाथ से हैंडिक्रिप के सीधे डायरेक्ट इधर